हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास एट इंग्लिश का चैप्टर नंबर सिक्स और चैप्टर का नाम है द फाइट अभी ये फाइट किन के बीच में थी क्यों फाइट स्टार्ट हुई क्या इसका एंड रिजल्ट रहा और हमें इस फाइट से क्या सीखने को मिलता है चैप्टर को रीड करते हैं और पता करते हैं सो फर्स्ट पार्ट में पहले कुछ पॉइंटर्स गिवन है कि पार्ट वन में हम क्या रीड करने वाले हैं रंजीत डिस्कवर्स अ पूल इन द फॉरेस्ट हम देखेंगे कि रंजी जंगल में एक पुल को छोटे से तालाब को डिस्कवर करेगा एंड प्लज इन टू इट फॉर अ स्विम प्लंज करना एकदम से कूदना और किसी और के बीच में सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी ओवर द पूल और रीजन क्या था ट्रबल का कि इस पूल के ऊपर किसका राइट है किसका अधिकार है ends, होना, होना, इस वजह से एक फाइट शुरू होगी द फर्स्ट राउंड एंड इन अ ड्रॉ और पहला जो राउंड है वो ड्रॉ रहेगा उसमें किसी की भी जीत नहीं होगी सो रनजी है रनजी राजपुर में एक महीने से कुछ कम से है वेन ही डिस्कवर्ड दूल इन द फॉरेस्ट जब वो फॉरेस्ट में उस पुल को डिस्कवर करता है इट वॉज द हाइट ऑफ समर समर की हाइट थी अपनी पीक पर थी गर्मी टेम्परेचर uh, बहुत ज्यादा था एंड नॉट येट ओपन और रणजी के स्कूल अभी तक नहीं खुले थे गर्मियों की छुट्टियां थी एंड हैविंग एज येट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन राजपुर एक सेमी हिल स्टेशन था यहाँ पर रनजी के अभी दोस्त भी नहीं बने थे कोई भी उसका दोस्त नहीं था ही अबाउट थाउटर करना बिना किसी परपज के इधर उधर घूमना अ गुड डील बाय हिमसेल्फ तो उसको लगा ये बहुत अच्छा है अगर वो खुद से ही बैंडर करता रहे इनटू द हिल्स एंड फॉरेस्ट इन हिल्स में फॉरेस्ट में दैट स्ट्रेच्ड अवे इंटरमिनेबली इंटरमिनेबल मतलब एंडलेस जिसका कोई अंत ही ना हो तो जो हिल्स थी और फॉरेस्ट थे वो दूर दूर तक फैले हुए थे ऑन ऑल साइड ऑफ द टाउन उस टाउन के चारों तरफ इट वॉज हॉट वेरी हॉट अभी बहुत ज्यादा गर्मी थी एट दैट टाइम टाइम ऑफ द ईयर साल के उस पर एंड थीजी वॉकड अबाउट इन हिज वेस्ट एंड शॉर्ट्स रणजी अपने वेस्ट में बनियान में और शॉर्ट्स में घूम रहा था हिज ब्राउन फीट वाइट विद द चौकी डस्ट दैट फ्लू अप फ्रॉम द ग्राउंड ग्राउंड से वहां पर चौकी डस्ट उड़ रही थी तो उसकी वजह से रंजी के जो ब्राउन फीट थे एक इंडियन स्किन टोन यहाँ पर बताया गया उसका वो वाइट हो गए थे उसकी वजह से द अर्थ वॉज पार्ष्ट मतलब हॉट एंड ड्राई बिल्कुल सूखी हुई थी जमीन द ग्रास ब्राउन घास ब्राउन हो गए थे ट्री लिस्टलेस ट्री बिल्कुल जैसे एनर्जी ना हो लाइफलेस लग रहे थे हार्डली स्टिरिंग हार्डली कोई मूवमेंट उनमें हो रही थी बिल्कुल शांत खड़े हुए थे क्योंकि हवा नहीं चल रही थी वेटिंग फॉर अ कूल विंड जैसे वेट कर रहे हो ठंडी हवा का या फिर एक रिफ्रेशिंग शावर ऑफ रेन का बारिश का इट वॉज ऑन सच अ अ डे हॉट टायर्ड डे तो ऐसे ही एक दिन में जो बहुत ही हॉट और टायर्ड थका देने वाला गर्मी भरा दिन था दैट रंजी फाउंड द पूल इन द फॉरेस्ट जिस दिन रंजी को फॉरेस्ट में वो पूल मिला द वॉटर अ जेंटल ट्रांसल्यूसेंसी वॉटर ट्रांसलूसेंट था मतलब पूरा ट्रांसपेरेंट तो नहीं था लेकिन उसमें देखा जा सकता था हर पार एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेबल्स एट द बॉटम ऑफ द पूल और पूल के बॉटम में आपको बिल्कुल स्मूथ राउंडेड पेबल्स पत्थर दिखाई देंगे अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स एक छोटी सी स्ट्रीम थी वॉटर की स्ट्रीम जो कि क्लस्टर ऑफ रॉक्स वहां पर जो पत्थर थे पत्थरों का ग्रुप था उनसे इमर्ज हो रही थी वहां से शुरू हो रही थी टू फीड पूल और इस पूल में वहां से पानी आ रहा था वो इस पूल को फीड कर रही थी ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी अ गशिंग टॉरेंट तो मानसून के टाइम पर जब बारिश होती है ये स्ट्रीम जरूर गशिंग मतलब बहुत ज्यादा वॉल्यूम में टॉरेंट का मतलब है रशिंग स्ट्रीम एक बहुत तेजी से बहती हुई स्ट्रीम होती होगी कैस्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स कैस्केड करना मतलब कमिंग डाउन जो एक वाटरफॉल फॉल के जैसे झरने के जैसे नीचे आती होगी बट ड्यूरिंग द समर लेकिन समर में इट वॉज अ ट्रिकल ये मुश्किल से एक ट्रिकल जैसी लग रही थी ट्रिकल मतलब एक बहुत एक वाटर बॉडी जिसमें बहुत ही कम बहता हुआ पानी हो वीक और थिन फ्लो ऑफ वाटर जो पुल होते हैं गर्मियों में एकदम सूख जाते हैं उसकी तरह यहाँ का पानी ड्राई नहीं हुआ था उसमें अभी भी पानी था वेन रणजी सॉ दूल जब रणजी ने उस पुल को देखा ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू इट वो बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं उसमें जाने से he had often gone swimming वो अक्सर स्विमिंग के लिए जाता रहा है अलोन अकेला या फिर विद फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of rajasputana desert Rajput, rajputana desert जैसे thirsty town में वहाँ पर बारिश कम होती होगी जब वो वहाँ पर रहता था अपने पेरेंट्स के साथ तो वो अपने दोस्तों के साथ या फिर अकेला स्विमिंग के लिए जाता रहता था there he had known only sticky muddy pools वहां पर पूल्स कैसे होते थे मिट्टी से भरे होते थे

His limbs were supple, उसके लिम्स हाथ और पैर सफल थे फ्लेक्सीबल थे फ्री ऑफ एनी फैट वो फैट नहीं था बहुत बॉडी वॉटर के ऊपर सनलाइट आ रही थी धूप आ रही थी उसमें उसकी बॉडी ग्लिस्टन करना मतलब चमकना चमक रही थी द नेक्स्ट डे ही केम अगेन अगले दिन वो फिर से आता है टू क्वेंच हिज बॉडी इन द कूल वॉटर्स ऑफ द फॉरेस्ट फूल क्वेंच करना मतलब जैसे हम अपनी थोस्ट को क्वेंच करते हैं वाटर से पानी से सो स्वऐसे वो अपनी बॉडी को कूल करने के लिए आया था फॉरेस्ट पूल में ही वॉज फॉर ऑलमोस्ट एन आर वो लगभग एक घंटे से वहां था स्लाइडिंग इन एंड आउट ऑफ द लिपिड ग्रीन वाटर लिम्पिड मतलब साफ सुथरा तो इतना साफ ट्रांसपेरेंट क्लीन जो ग्रीन वाटर था उसमें कभी वो अंदर स्लाइड कर रहा था कभी बाहर आ रहा था और लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक्स इन द शेड ऑफ ब्रॉड लीव्ड साल ट्रीज ये दिखाया भी हुआ या फिर वो बाहर आके वहां पर एक येलो रॉक था ब्रॉड लीव्ड साल ट्री चौड़ी पत्तियों वाले साल ट्री के नीचे तो उसके ऊपर वो स्ट्रेच होके लेटा हुआ था इट वॉज बास जब वो लेटा हुआ था ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे वो नोटिस करता है कि एक और दूसरा लड़का है जो थोड़ी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है स्टेयरिंग एट हिम इन अ हॉस्टाइल मैनर हॉस्टाइल मतलब अनफ्रेंडली गुस्से से उसको देख रहा है दी अदर बॉय वॉज अ लिटल ओल्डर वो बॉय रनजी से थोड़ा बड़ा था ओल्डर था टॉलर लंबा भी था, था विद्रोज ना उसकी ब्रॉड थीड लिप्स थे ही जस्ट नोटिस रंजी अभी अभी उसने रणजी को नोटिस किया एंड वेन रणजी डिड नॉट से एनी थिंग और जब रणजी ने कुछ भी नहीं कहा दी अदर कॉल्ड आउट तो उस दूसरे बॉय ने कहा वॉट आर यू डूइंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो रंजी अभी रंजी तो बिल्कुल तैयार था फ्रेंडशिप करने के लिए मतलब वो एकदम से हैरान हो जाता है इस हॉस्टिलिटी के लिए इस एनिमिटी के लिए दुश्मनी के लिए जो टोन उसने यूज की आई एम स्विमिंग ही रिप्लाइड तो वो कहता है कि मैं स्विमिंग कर रहा हूँ वाई डोंट यू ज्वाइन मी तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं करते I always swim alone. तो वो कहता है दूसरा बच्चा कि मैं हमेशा अकेला ही स्विमिंग करता हूँ यू हेयर मैंने तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया टू रंजी स्ट्राइड अप मतलब तेजी से चल के आना तो वो एकदम से चल के आता है रंजी uh, की तरफ सैट ऑन जो अभी भी बैठा हुआ था रॉक के ऊपर एंड प्लांटिंग इज ब्रॉड फीट फॉर्मली ऑन द सैंड

I do not take replies from villagers like you. मैं तुम जैसे villagers से गांव के लोगों से reply नहीं लेता So you like to fight with villagers? Said Ranjit. Ranjit कहता है अच्छा तो तुम villagers के साथ लड़ना पसंद करते हो Well, I am not a villager. खैर मैं एक villager नहीं हूँ I am a fighter. मैं भी एक fighter हूँ I am a warrior. I am a fighter. तो दोनों ऐसे ही बोलते रहते हैं They had reached an impasse. Impasse मतलब एक situation जिसमें आगे क्या होने वाला है ये पता ही ना हो एक डेडलॉक प्लेस और पोजिशन फ्रॉम विच देर इज नो वे आउट एक ऐसी सिचुएशन जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो so सो ऐसे ही एक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो जाती एक सा हो जाता है, एक ने कहा कि वो एक है दूसरे ने अपने आप को घोषित कर दिया एक फाइटर देर वॉज लिटिल एल्स अभी आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता था यू है कि तुम समझते हो ना कि मैं एक वॉरियर हूं फीलिंग दैट परिस इन्फॉर्मेशन हेड नॉट पेनेट्रेटेड रनजीज हेड इस तरीके से वो फील करा था फिर से उसने याद दिलाया जैसे कि ये बात रणजी के दिमाग में गई ही ना हो पेनेट्रेट करना मतलब एक तरीके से समझ आना कि उसको समझ ही ना ही हो आई हैव हॉड यू से इट थ्री टाइम्स रिप्लाइड तो रणजी कहते हैं कि मैं पहले ये तीन बार सुन चुका हूं तुम तीन बार ये कह चुके हो देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे तो तुम फिर यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे

रंजी रंजी करता है अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड फिर जो दूसरा बॉय है वो एक अजीब सी हिसिंग जो स्नेक की साउंड होती है ऐसी साउंड प्रोड्यूस करता है दे स्टेयर ईच अदर इन दी आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट एक मिनट तक दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते रहते हैं घूरते रहते हैं आंखों में देखते रहते हैं एक दूसरे की देन द वॉरियर फिर जो वॉरियर जो जिसने खुद को वॉरियर बताया था जो दूसरा बच्चा था

थोड़ा सा अनस्टडी हो गया थोड़ा साइड हो गया फीलिंग क्वाइट डिजी और थोड़ा डिजी भी वो फील कर रहा था उसको चक्कर से आने लगे देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक और उसके चीक के ऊपर निशान पड़ गए उन फिंगर्स के बिल्कुल लाल निशान देयर यू आर एक्सक्लेम्ड हिज मतलब द पर्सन हु अटैक्स जिस पर्सन ने अटैक किया उसको असिलेंट कहेंगे तो वो जो दूसरा बच्चा था वो कहता है कि ये लो मतलब मैंने तुम्हें मार दिया विल यू बी ऑफ नाउ क्या अब तुम यहां से जाओगे फॉर आंसर इसके आंसर के लिए रंजी स्वंग हिज आर्म अप वो अपनी आर्म को ऊपर उठाता है स्विंग करता है घुमाता है ओके स्विंग नाउ दिस मूव करना एक तरीके से एंड पुश्ड अ हार्ड बोनी फिस्ट इनटू द फेस 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 और उसके face में face के ऊपर मुंह पर अपनी फिस्ट को मतलब एक तरीके से मुक्का मारता है अब जो उसकी फिस्ट है वो बहुत बोनी है क्योंकि बहुत पतला था फैट नहीं था उसके ऊपर बिल्कुल हड्डियां ही हड्डियां दिख रही थी और ये वो बहुत हार्डली बहुत जोर से मारता है एंड देन देर एट ईच अदर्स थ्रोट्स और उसके बाद वो जाके एक दूसरे का गला पकड़ लेते हैं स्वेइंग ऑन द रॉक रॉक के ऊपर स्वे कर रहे हैं साइड टू साइड मूव कर रहे हैं फाइट में टम्बलिंग ऑन द सड के ऊपर रेत के ऊपर गिर रहे हैं रोलिंग ओवर एंड ओवर जैसे लड़ाई में है रोल कर रहे हैं देर लेग्स एंड आर्म्स लॉकड इन डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल इस डेस्परेट वायलेंट स्ट्रगल में उनके आर्म्स और लेग्स बिल्कुल लॉक हो गए हैं गैसपिंग एंड कर्सिंग गैस कर रहे हैं जोर जोर से सांस ले रहे हैं एक तरीके से आ, हाफ रहे हैं कर्स कर रहे हैं गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को क्लॉइंग एंड स्लैपिंग थप्पड़ मार रहे हैं नोच रहे हैं क्लॉ कर रहे हैं दे रोल्ड इन टू द शैलोज ऑफ द पूल और ऐसे करते करते पूल में जहां पर पानी बहुत कम था वो वहां तक पहुंच जाते हैं इवन इन वॉटर द फाइट कॉन्टिन्यूड एज पानी में जाने के बाद भी उनकी फाइट कॉन्टिन्यूड रहती है स्प्ल्टरिंग स्प्लटरिंग मीन्स स्पीकिंग क्विकली कंफ्यूजली कंफ्यूज होके जल्दी जल्दी में जो बोल रहे थे क्योंकि ब्रेथलेस हो चुके थे सांस उनकी फूलने लगी थी इतनी देर तक लड़ाई करने की वजह से एंड कवर्ड विद मर्ड मर्ड से मिट्टी से पूरा कवर्ड थे दे ग्रॉप फॉर ईच अदर्स हेड एंड थ्रोट ग्रॉप करना मतलब हाथों से सर्च करना क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था तो सर्च कर रहे थे दूसरे के हाथ को ढूंढ रहे थे थ्रोट को ढूंढ रहे थे बट आफ्टर फाइव मिनट्स ऑफ फ्रेंजीड फ्रेंजीड मतलब वायलेंट अनसाइंटिफिक स्ट्रगल ये स्ट्रगल अनसाइंटिफिक ही था कोई इसके पीछे रीजन लॉजिक नहीं था नीदर बॉय हार्ड इमर्ज विक्टोरियस दोनों में से कोई भी बॉय विक्टोरियस नहीं होता किसी की भी जीत नहीं होती देयर बॉडीज हीविंग विद एग्जॉशन एग्जॉशन टायर्डनेस फटील दोनों की बॉडीज बहुत ज्यादा थक जाती है देश टोड बैक फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से दूर वो हो जाते हैं मेकिंग ट्रमेंडस एफर्ट टू स्पीक और बहुत एफर्ट कोशिश कर रहे थे कुछ बोलने की क्योंकि थक चुके थे स्ट्रेंजर गैस्ट करते हुए हाफते हुए कहता है कि अच्छा क्या तुम्हें अभी रियलाइज हुआ कि मैं एक वॉरियर हूँ डू यू नो आई एम अ फाइटर क्या तुम्हें पता लगा कि मैं फाइटर हूँ रणजी विद डिफिकल्टी रणजी ने भी बहुत डिफिकल्टी के साथ ये कहा क्वेश्चन पूछे थे क्या तुम्हें पता लगा मैं फाइटर हूँ तो एक दूसरे के आंसर के लिए एक मिनट का उन्होंने कुछ मोमेंट्स दिए कि दूसरा आंसर करेगा एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस और उस मोमेंट में जब दोनों साइलेंट थे आंसर का वेट कर रहे थे देयर वॉज ओनली देअर हैवी ब्रीदिंग सिर्फ जोर जोर से जो ब्रीद कर रहे थे सांस ले रहे थे उसकी आवाज वहां पर सुनाई दे रही थी एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट और उनका हार्ट जो रैपिडली बीट कर रहा था सिर्फ उसकी आवाज देन यू विल नॉट लीव द पूल सेट द वॉरियर तो उनमें से जो वॉरियर था वो कहता है तो इसका मतलब तुम पूल छोड़कर नहीं जाओगे आई विल नॉट लीव इट सेड रंजी रंजी कहता है नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेट द सेट तो दूसरा कहता है ठीक है फिर तो हमें इस फाइट को कंटिन्यू करना होगा क्योंकि कुछ डिसीजन हुआ ही नहीं ऑल राइट सेड रंजी रंजी कहता है ठीक है बट नीदर बॉय मूव्ड बट नीदर बॉय मूव नीदर टुक द इनिशिएटिव लेकिन दोनों में से ही ना किसी ने इनिशियटिव लिया शुरू की लड़ाई और ना ही कोई मूव हुआ क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा थक चुके थे द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन यहां पर इंस्पिरेशन का मतलब है एक न्यू आइडिया तो वॉरियर को एक नया आइडिया आता है वी विल कॉन्टिन्यू द फाइट टुमारो ही सेट वो कहता है कि हम कल इस फाइट को कॉन्टिन्यू करेंगे इफ यू डेयर अगर तुम में हिम्मत है टू कम हेयर अगेन टुमारो कल यहाँ पर फिर से आने की वी विल कॉन्टिन्यू दिस फाइट तो हम इस फाइट को कल शुरू फिर से कॉन्टिन्यू करते हैं यहीं से शुरू करते हैं एंड आई आई विल नॉट शो यू मर्सी मर्सी एज हैव डन और मैं कल कोई mercy, कोई दया नहीं दिखाऊंगा जैसे मैंने आज दिखाई है आई विल कम टूमोरो सेड रंजी रंजी कहता है कि मैं कल आऊंगा आई विल बी रेडी फॉर यू मैं तुम्हारे लिए एकदम तैयार हूँ दे टर्न फ्रॉम ईच अदर देन एंड गोइंग टू देयर रेस्पेक्टिव रॉक्स उसके बाद दोनों टर्न होते हैं एक दूसरे से अलग मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं अपने रेस्पेक्टिव रॉक्स की तरफ पुट ऑन देयर क्लोथ्स स्विमिंग क्योंकि कर रहे थे क्लॉथ्स उन्होंने किसी रॉक पर रखे होंगे अपने क्लोथ्स को पुट इन करते हैं पहनते हैं लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स अलग अलग रूट से फॉरेस्ट से चले जाते हैं ये था पार्ट वन दैट्स ऑल फॉर नाउ सेकेंड पार्ट हम सेकंड uh, वीडियो में कवर करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग